जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स मुझे पता है देश, देश में बहुत कुछ पॉलिटिकल चल रहा है लेकिन बाहर पे नजर हमारी नहीं हटनी चाहिए क्योंकि कल एक ब्लूमबर्ग ने हिट पीस करने की कोशिश करी है अब वो हिट पीस है कि रियलिटी है उस उसपे देखेंगे क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि भाई साहब हमारे अननोन गनमैन है रोग एजेंट अननोन गनमैन है जिन्होंने जाके पन्नू को ठोकने की बात करी है और कहते हैं कि इसका इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि साहब रोग एजेंट हमारे अननोन गनमैन बन चुके हैं तो ये चीज न्यूज है इसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट हो क्या रहा है सडनली कुछ गेम खेलनी शुरू हो गए एंड वी कैन सडनली सी कि यार ये टाइमिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए टाइमिंग पे दुनिया कायम है एंड दैट समथिंग दैट वी नीड टू सी सो अननोन गनमैन जिसके बारे में कल एक रिपोर्ट निकली उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी नीड टू सी वॉट इज हैपनिंग एज एज फार ये जो narrative का गेम चल रहा है भारत के अगेंस्ट में उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे सो so गाइज जैसे मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर करेगा सब्सक्राइब करेगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड बेल आईकॉन दबा के बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए एंड स्प्रेड द वर्ड्स शेयर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली थैंक यू सो मच वॉचिंग चलिए जरा अपनी प्रेजेंटेशन को अब कर लेते हैं लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट ये गेम क्या हो रही है ऑलराइट सो right, so मैं बोल रहा हूँ भाई रोग एजेंट हैं कि कोई कवर अप होने की करने की बात की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेंस नहीं बनती कहीं ना कहीं कुछ चीजों का सेंस नहीं बन रहा सो व्हेन द सेंस इज नॉट कमिंग थ्रू वी नीड टू लुक एट द फैक्ट्स सो लेट्स सी क्या है फैक्ट्स ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली कि साहब इंडिया प्रोब फाइंड्स रोग ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड इन यूएस मर्डर प्लॉट मतलब अनोन गनमैन जो है हमारे वो अब हो चुके हैं रोग अब उनका नाम पूरा होगा रोग अनोन गनमैन ठीक है जी तो ये है उसके बाद कहते हैं कि जी न्यू दिल्ली ने इन्वेस्टिगेशन की डिटेल दे दी है यूएसए को एंड उस डिटेल के अंदर लिखा हुआ है ठीक है

कवर अप तो क्या हुआ है पीछे बैक एंड सीन पे जहां पर कुछ भारत ने कहीं पे आई थिंक स्क्रू वो टाइट करे हैं या कुछ गेम हुई है इसका तो आगे दिनों में जाके हमको पता चलेगा बट थोड़े बहुत हिंट्स मेरे पास हैं विच आई विल प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू तो रोग ऑपरेटिव नॉट ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ठीक है जी उसके कहते हैं कि साहब एक कोई सोर्स है ब्लूमबर्ग का रॉ के अंदर राह के अंदर ब्रूम का रा के अंदर, अंदर. ठीक है जी कहता है साहब मेरे को बताना मेरा नाम मत लिख देना यार प्लीज ऐसे मत करना आप लोग मेरे साथ तो कहता है जी अभी भी जो रोग एजेंट है रोग एजेंट स्लैश अननोन गनमैन है वो अभी भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है एंड गवर्नमेंट ने कोई क्रिमिनल एक्शन इसके ऊपर अभी तक नहीं शुरू करा है उसके बाद कहता है कि साहब चक्कर ये कि दिल्ली ने बता दिया है और यूएस बोल रहा है कि जी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करो इसको जरा आप डंडे पे लेके आओ पन्नू पुन्नू मुन्नू चुन्नू को कैसे मार सकता है ये 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 हाउ कैन दिस हैपन उसके बाद इंटरेस्टिंग है है कि ये कहते है कि कहते हैं भाई सीनियर फील्ड ऑफिसर जिसका इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के अंदर था उसने निखिल गुप्ता को बताया ये वो ही स्टोरी दोबारा दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब निखिल गुप्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे ये सब वो ठीक है यहां पर देखिए क्या है कि डोनाल्ड लू के साथ एक स्टेट सेनेट हियरिंग हुई उसके अंदर बोला गया कि साहब भारत नीड्स टू वर्क क्विकली यार जल्दी जल्दी करे और ये सब चीजें करे और ब्लूमबर्ग ने यूजुअल लिख दिया कि साहब e. जो है उसने जवाब नहीं दिया हमारी ईमेल का हमको कोई पता नहीं है लेकिन हमारे पास ये पूरी क्लैरिटी है एक जगह मैंने आपको दिखाया एक कोशिश जहां पर बोला गया कि साहब रोग एजेंट्स है नॉट कलेक्ट कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट दूसरी जगह यहां पर एक और चीज बोली गई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कहते हैं कि जी भारत और यूएसए दोनों इस चीज को डाउन प्ले कर रहे हैं इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो एक तरफ ये निशाना लगा रहे हैं आपके ऊपर लेकिन गोली मारने की बजाय पानी का बलून फेंक रहे हैं आपके ऊपर तो ज्यादा आपको कुछ ठीक है तो इसी बात पे जरा ब्लूमबर्ग की जय हम लोग सारे करेंगे क्योंकि ब्लूमबर्ग की जय का मेरा रीजन क्या है मैं आगे जाके आपको दिखाता हूं डोनाल्ड <coughs> लू ने स्टेटमेंट दिया सेनेट के सामने कि साहब वी आर वर्किंग फॉर इंडिया टू होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल एंड ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट लगा दी सो ब्लूमबर्ग की जय अच्छा जी मैं फिर भी बोलूंगा बड़ी सॉफ्ट टाइप रिपोर्ट आई ये कोई नहीं नो, नो इंडिया ये कुछ नहीं डोनाल्ड लून ने भी कुछ नहीं बोला नहीं नहीं वी आर वर्किंग विद इंडिया वी विल फिगर इट आउट ये वो ठीक है क्वाइट सॉफ्ट देयर इज अ रीजन फॉर इट एंड आल्सो देखते हैं कि साहब और चीजें क्या बोली वहां पर डोनाल्ड लून ने जो सेनेट में हियरिंग करी सैंक्शन की बात आई एक सेनेटर साहब हैं कांग्रेसमैन हैं डीन फिलिप्स उन्होंने बोला कि साहब आप भारत को सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे ठीक है क्यों नहीं कर रहे यार भारत ने तुम्हारे बंदे को ठोकने की बात करी तुम सैंक्शन नहीं कर रहे नहीं नहीं कही मेरे को टाइम दिखती है क्योंकि ये सेनेट हियरिंग है और सेनेट हियरिंग के सेम टाइम पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है या तो उनको पता था कि ये सवाल आएगा तो ये कुछ लीक लाख कुछ कर दो ताकि थोड़ा कवर कर पाए अपने आप को या तो ये गेम है या दूसरी गेम है कि ये दे आर ट्राइंग टू रैक इट अप अगेन दोनों चीजों पे नजर रखते हैं लेट्स फाइंड आउट क्या हो रहा है आगे लेकिन जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरे एक उनका जो मेरी अमेरिका का जो एक बच्चा है प्यारा प्यारा बच्चा है सोने के अंडे देता है वो अमेरिका को सोने के अंडे ऐसे होते हैं कि इनकी बिल्डिंगें गिरा देते हैं वो सोने के अंडे तो वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि देखो आपको पता है पाकिस्तान में औरतें सारे लेवल्स पे राइज कर रही हैं बिजनेस में पॉलिटिक्स में जुडिशरी में कहते हैं समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता है कि जो वेमेन आर डूइंग बेटर इन पाकिस्तान देन इन अमेरिका तो ये है इनकी सेनेट हियरिंग ठीक है डायलॉग देख लीजिए विमेन इन पाकिस्तान बेटर इन अमेरिका समझ रहे हैं आप ये चीज तो ये आप अपने आप ही लगा लीजिए भाई सेनेट हेयरिंग कितनी इनकी सीरियस है अच्छा कोई बात नहीं उसके बाद पूछा गया उनको सवाल इलेक्शन के बारे में कहते हाँ कुछ इरेग्यूलरिटीज देखी हैं हमने क्या कुछ इरेग्युलरिटीज देखी है हमने इररेग्युलरिटीज अमेजिंग ठीक है तो दिस इज द लेवल ऑफ द सेनेट हियरिंग एंड इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि जो डायलॉग इन्होंने कल हमारे लिए भी मारा यहां पर भारत के लिए भी उसकी कितनी वैल्यू है आगे देखते हैं थोड़ी सी वन साइडनेस के ऊपर बात करते हैं जी अच्छा अभी तक ऑस्ट्रेलिया था सडनली ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस सर्विसेज जाके मिलना शुरू हो जाती हैं स्पाई किससे ए एस से किससे भाई अभी तक तो तुम चुप थे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था सडनली खोते स्थानीय याद आ गए कोई बात नहीं देख लेते आगे चलते हैं जी अभी देखो यूके में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर हमारे दो भारतीय लोगों को कृपाण से मारा ठीक है जी एक खोतेस्तानी ने कृपाण से मारा उसको सो so, दो बंदों को स्टैब करने के का इक्विवेलेंट 28 इन प्रिजन ये है यूके का जस्टिस सिस्टम तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं वन साइड कि हम बोले कि अगर पन्नू को हम उड़ा दें तो भैया सीरियसली जेल में डालो ये करो वो करो तुम्हारे बंदे उल्टे काम करते रहे तो 28 मंथ स्लैप ऑन द रिस्ट 28 मंथ इज व्हाट टू इयर्स इन फोर मंथ्स अमेजिंग आगे चलते हैं नया इन्होंने निकाला है और इसको मैं तभी आप जरा मेरी स्पेलिंग देखिएगा फ्री डम्ब फ्री डम्ब है ना इनका अमेरिका में बिकॉज दे आर फ्री ओके बट दे आर ऑल्सो डम दिमाग नहीं है खोते स्थानीय टेक ओवर है अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तभी दिमाग बिल्कुल नहीं चलता इनका अभी निकले हुए अम्बेसिडर के ऊपर पच्चीस लाख रुपए का रिवॉर्ड डाल रहा है क्यों क्योंकि वो अम्बेसिडर अभी आके जरा यहाँ पर गेम खेलनी शुरू कर रहा है अपने बात करने की शुरू कर रहा है तो ये देखो ये ऐसा अनगाइडेड रॉकेट है लेकिन ये पन्नू को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा पन्नू का एक सरप्राइज दूंगा जो आप भी दंग रह जाओगे साहब जरा अपनी कुर्सियों को पकड़ के रख लो सो फ्रीडम इन अमेरिका इज अमेजिंग ठीक है जी आगे चलते हैं अब देखो यूएसए का कहता एक चीज है करता दूसरा चीज है मैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये स्लाइड लेके आया है यहां पर कहता कुछ चीज करता दूसरी चीज है लेट्स अंडरस्टैंड दैट यूएसए के ऑफिशियली डोनाल्ड लूर साहब ने बोला कि जाओ पाकिस्तानियों हमारे बच्चों आपको मैंने बोला कि मैंने देखो आपके इरेग्यूलिटीज बोली है माइनर मैंने बोली है कि साहब आपकी औरतें एकदम टॉप नॉच हैं, एकदम डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में आप नंबर वन हो लेकिन तेल का गैस का पाइपलाइन आप ईरान से नहीं लोगे आप नहीं लोगे नाउ सोचिए इस बात को ईरान ने पाकिस्तान को बोला कि साहब 18 बिलियन डॉलर के लिए मैं आपको ले जाऊंगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं आपकी पतलून उतारूंगा वहां पर जाके पाकिस्तान को अमेरिका कहता है बेटा तुमने ये पाइपलाइन ली तो हम तुम्हारी पतलून क्या सब कुछ उतार देंगे यहां पर ठीक है वी विल रिमूव एवरीथिंग यू हैव अब आपको समझ में आया मैं हमेशा बोलता रहता हूं यूएस खींच रहा है पाकिस्तान को ईरान के अंदर दिस इज हाउ यू बिल्ड टेंशन बिटवीन कंट्रीज ईरान तो बोलेगा बेटा मेरे को तू पैसे दे यूएस बोलेगा मजाला है तू तो आई का एक रुपया दे दे वहां पर मैं तेरे को दिखाता हूं एंड आई ऑलवेज से दिस नैरेटिव एक चीज होती है जो डायलॉग एक चीज होती है और जो एक्चुअल करतूतें होती हैं वो अलग चीज होती हैं। फाइनल सोल्यूशन जो है पाकिस्तान का वो आ गया है तो उसकी तरफ काम किया जा रहा है लेकिन नैरेटिव के हिसाब से नो नो पाकिस्तान इज डैम गुड विमेन इंडेक्स वेमेन आर बेटर देन पाकिस्तान में जो लेडीज हैं वो बेटर हैं। क्या बात कर रहे हो यार आप ठीक है दिस इज हाउ यू प्ले द गेम एंड ईरान चाइना और भारत को तेल बेच रहा है या गैस बेच रहा है कोई टेंशन नहीं नो प्रॉब्लम पाकिस्तान ले ले तो रोना शुरू दिस इज साइडेडनेस ऑफ द यूएस और ये चीज हमको हमेशा याद करके रखनी पड़ेगी कि यूएस इज नॉट सिंगुलर एंटिटी मैं हमेशा आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स एक सिंगल प्रोफाइल में यूएस को कभी मत जज करिए आपको कभी नहीं समझ में आएगा यूएस के अंदर बहुत सारे डिविजन हैं और हर कोई अपनी तरह से काम करना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे प्यारे जो बाइडन साहब हैं वो कभी नींद से नहीं उठते तो फिर वो डिविजन डुविजन क्या देखेंगे ठीक है दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू अब आगे चलते हैं <coughs> अब ये देखो फाइव पार्टनर को ही धमकी मार दी उसने मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड वाले ने बोला कि एविडेंस उसको उसको इतना गुस्सा चढ़ा इसने एक मार दी। ओ भाई ऐसे पप्पू को आपने रखा हुआ है। कम से कम कम से से यार एक पप्पू को तो क्या होगी सबसे ज्यादा तो एम्बेसमेंट करता बट है यारूज पुन, क्या नाम है पन्नू इज तो हमको पता ही है ठीक है एंड द ग्रेट यूएसए और उसकी जो मीडिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं ठीक है तो मीडिया का आउटरीच होता है अभी देखो एक तरफ से पन्नू पन्नू के ऊपर आपके ऊपर डायलॉग मारते हैं दूसरी तरफ से चाइना के ऊपर फायर मारते हैं आपके कंधे से कहते हैं यूएसए रेकग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी वी डोंट नीड योर वैलिडेशन हमने नहीं बोला साहब आप हमारी टेरिटरी को रिकनाइज करो ये क्या है अभी भारत में इसके बारे में आप जरा ट्वीट देखिए लोगों के हाउ यूएसए इज वेरी गुड फ्रेंड वेरी गुड फ्रेंड ये करता है वो आपके साथ एक तरफ आपकी पतलून खींचने की कोशिश करता है दूसरी तरफ आपके आपको बोलते हैं नीनी साहब सब कुछ ठीक है एवरीथिंग ऑल राइट आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज हाउ दे प्ले द गेम

ताइवान को कर लो हमको आपकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है साहब एंड दिस इज अगेन द वन साइडेडनेस वन साइडेडनेस क्यों है कल जैसे जनरल नारायण ने हमको समझाया था कि साहब उसको चाहिए जंग यूएसए को चाहिए जंग तो क्या करता है वो और उसके लिए तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर भारत जाके लड़ जाए चाइना के साथ तो आपके ऊपर वो पन्नू नुन्नु मुन्नू टुनू लेके प्रेशर डालेगा और दूसरी तरफ से ऐसे उल्टे काम करेगा चाइना बच जाए आप इधर देखो कि उधर अंडरस्टैंड दिस ये ये जो अंडरस्टैंडियन है ना और जो आपके साथ में स्टैंड लिया है हमको उसकी जरूरत नहीं है ना हमने मांगा लेकिन उससे हमारे चाइना के बीच में टेंशन बढ़ जाती है अब फर्क कोई पड़ता नहीं है उसके अंदर हमको नॉट दैट वीड ऑफ इट बट दैट्स द रियलिटी ठीक है और ये है हमारा प्यारा ब्लूमबर्ग जिसको मैं आज आपके सामने जिसकी मैं पतलून उतारूंगा कल एक न्यूज आई ब्लूमबर्ग से कि चाइना इज ऑन ट्रैक टू बी रेडी फॉर ताइवान इन्वेज़न बाय 2027 किसने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ठीक है जी और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस जनवरी 6 को जिसके बारे में मैंने जनरल रायन ने बड़ा स्केप्टिकल सा शो किया था यही इंटेलिजेंस बोलती है कि चाइना की रॉकेट तो फ्लॉड है उसके अंदर पानी भरा हुआ है अब यार 6 जनवरी से 21 मार्च के बीच में या तो चाइना ने ऐसा कुछ जादू कर दिया कि उसकी सारी रॉकेटें ठीक होगी पूरी आर्मी ठीक होगी पूरी एयरफोर्स ठीक होगी पूरी नेवी ठीक होगी या किसी के नट डीले हैं या तो हम पागल हैं नो नो आई डोंट विच वन टू पिक जरा आप थोड़ी हेल्प कर देंगे मेरी तो मैं मेरे को थोड़ा समझ में आएगा यार थोड़ा दिमाग कम है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस किसको विश्वास करूं मैं अभी ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा क्योंकि बड़ा स्ट्रेंज है ये है ना वेरी स्ट्रेंज एक तरफ एक चीज एक तरफ एक चीज एक तरफ एक चीज मैंने आपको डुप्लिसिटी के एग्जाम्पल दिखा दिए इतने सारे नाउ डू यू पुट दिस एंड ये दिसल इधर उधर के नहीं है ये इसी एरिया के examples है एक तरफ सॉफ्ट गेम एक तरफ हार्ड गेम एक तरफ नाइना एक तरफ चाइना एक तरफ चाइना डब्बा है एक तरफ चाइना रेडी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आगे चलते हैं हमारी भी गवर्नमेंट पीछे नहीं है शिशिर गुप्ता साहब बड़े चैंपियन है इन्होंने तो पिछली बारी भी पतलून खोली थी कि साहब ये जो हम हमारे जो डोवल साहब मिले थे सीआईए के चीफ से हमने बता दिया था देखो भाई हमारे पास ये एविडेंस ये है पन्नू के बारे में हम जानते हैं आपका बंदा है ये इसलिए हम कुछ करनी रहे अगर हमने ये बता दिया हम कुछ करनी रहे उसके बाद हम जाके ठोकना चाह जा रहे थे उसको डज इट मेक सेंस आइड लीव इट फॉर यू गाइज मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स पे बात करता नहीं लेकिन जब जियो पॉलिटिक्स बीच में आती है तो फिर कुछ बोलना पड़ता है ये वो ही पन्नू है आज जो हमारे प्यारे से सीएम जेल में बैठे हैं उनकी फंडिंग के बारे में बात करता था कि साढे छह पौने सात मिलियन डॉलर खोते स्थानीय ने आम आदमी पार्टी को कलेक्ट करके दिए थे अब इसके बारे में क्या बोलें जी ठीक है जी तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अगर ये ये सीआईए का एजेंट है कि ये सीआईए का एजेंट है क्या सीआईए के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है अब मुझे समझ नहीं आ रहा आर यू अंडरस्टैंडिंग द गेम द गेम इज वन साइड दिस वे वन साइड दैट वे डबल गेम पॉलिसी आपके साथ लगे हुए हैं ये लोग

और हमारी देखो स्टूपेड मीडिया है ट्रिब्यून कहती है इंडिया एडमिट्स टू इन्वॉल्वमेंट बाकी सब तो छोड़ दो भाई कहीं तो लिख ले यार ब्लूमबर्ग ने लिखा है अंधे ठीक है छोड़ो मैंने आपको बोला था पन्नू के बारे में मैं एक सरप्राइज दूंगा और मेरे हिसाब से पन्नू डिजर्व ऑफ थैंक्स सारे जितने भी ऑलमोस्ट हजार लोग देख रहे हैं सब लोग पन्नू को थैंक यू बोलेंगे क्यों 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 पन्नू ने मैप बड़ा मस्त दिखाया है यार अब क्या पाकिस्तान की फंडिंग कट गई है पन्नू को मैप बड़ा मस्त दिखाया है एयर इंडिया 19 नवंबर ये मैप हमारी आंखों से निकल गया यार मैं तो पहले दिखा देता दिखा तो देखा तो यार ये तो पीओ के बल्टिस्तान पूरा ही भारत को देके बैठा है अब ये पन्नू रा एजेंट तो नहीं है बाप रे बाप रे बाप रे बाप ये हुई ना बात ये हुई ना बात अब देखो जरा मैं जरा सारे सारे अपना जितने खोतेस्तानी हैं जितने खालिस्तानी हैं चलो खोतेस्तानी नहीं बोलते अगर उनसे, हम हमको उनसे बात करनी है तो एटलीस्ट लेट्स एड्रेस बाय प्रॉपर नेम जितने खालिस्तानी हमारे भाई हैं मैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा ये आपका लीडर है जी ये आपका लीडर है जो भारत को पहले तो तोड़ने की बात करता है आप बोलते हैं यार जोड़ो भारत <laughs> तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों आपका एजेंट हमने डबल एजेंट कर दिया है और मेरे प्यारे सीआईए वालों आपका भी थोड़ा सा गेम होना शुरू हो गया है जस्ट बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स अच्छा <laughs> मस्ती बहुत होगी थोड़ा सा एक छोटा सा वार्निंग मैं आपको सबको देना चाहूंगा ठीक है देश में एक चीज हुई है किसी का अरेस्ट हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा एंड आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल बट मैंने जैसे आपको बताया जब जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक जगह से हो जाती है तो कुछ कमेंट मेरे को आई वांट टू मारो हियर इज वन मिस्टर जेंटलमैन इज मीटिंग अत गिल नोन खोते स्थानीय सपोर्टर इन 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 यूके ठीक है जी अब आप टू प्लस टू फोर प्लस फोर एट बनाओ अपने आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है सेनेट हियरिंग होती है ये भाई साहब दीज आर नॉट इनोसेंट फोटोग्राफ्स एंड ये चीजें हमको समझ में आ गई हैं अभी ठीक है, we've, we've understood this. क्योंकि पहले हम लोग बोलते थे यार एक फोटो ही तो है क्या फर्क पड़ता है एंड ऑल दैट बट आर नॉट इनोसेंट फोटोग्राफ्स ये चीज़ हमको बड़ी आपसे सवाल पूछूंगा आप नॉर्मली मुझसे पूछते हो दिस टाइम आई एम यू आस्को क्वेश्चंस आस्क ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं फ्रॉम शाहीन बाग फार्मर प्रोटेस्ट वन टू फार्मर प्रोटेस्ट टू जिसके अंदर फ्री इंटरनेट पिज्जा मशीन फुट मसाज मशीन गई थी किसने फंड करा था वो हू गेव द शेल्टर द फूड द वाई फाई एवरीथिंग हुक्शन इन पंजाब एंड ब्रॉटअप इशूज इन पंजाब बॉर्डर स्टेट कौन था वो कौन है जिसका एक सेक्रेटरी है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा है जी हां यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा इज द सेक्रेटरी ऑफ समवन दैट आई एम रेफरिंग टू ठीक है स्टेट डिपार्टमेंट का एंड आई कैन प्रूव दैट यू

इवेंट्स देखिए क्या क्या हो रहे हैं देश के अंदर जस्ट थिंक लिटिल क्लियरली वेरी क्लियरली ओके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ चीजें थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई वही यादें आई वापस खोते स्थानियों की खोते स्थानियों के इंसिडेंट्स पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से चली जा रहे हैं एंड देव बीन ब्रॉड टू अ पॉइंट वेयर दे कुड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड अब काउंटर अटैक हुआ हमारी तरफ से उससे ये पूरा नीचे गिर गया डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर उसको मत कंसिडर करिए बट ये कंसिडर जरूर करिए कि ये पूरा चीज हो रही थी उसके बाद एक यात्रा यात्रा जारी थी जो एक जगह पे आके एक प्रोटेस्ट का पार्ट बनने वाली थी वो फाइनली नहीं हुई ए ए का टाइम आ रहा था तो ऑल दिस वॉज सपोज टू कंबाइन टूगेदर टू एक्सप्लोर इन टू वन बिग मशरूम क्लाउड वॉज दैट द लार्जर गेम ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है ये अभी क्यों आई है वाई एस दिस गाय बीन अरेस्टेड राइट नाउ आप इसको इलेक्शन के बाद अरेस्ट कर देते एक नैरेटिव बच जाता क्योंकि नैरेटिव अभी क्या दिखेगा सेव डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप ये वो मैं आपको यही पूछ रहा हूं आप मुझे बताओ अभी क्यों अरेस्ट करा है इसको वाई नाउ टाइमिंग इज एवरी थिंग साहब क्रिकेट मैंने कभी खेला नहीं जिंदगी में बट मेरे को ये पता है अगर बैट सही टाइम पे मारो तो छक्का जाता है टेढ़ा टाइम पे मारो तो पीछे जाके आउट हो जाएगा वाई नाउ बिकॉज मेरा मानना अभी थोड़ा सा आई एम ओपनिंग अप टू दिस थॉट एंड आप मेरे को इसके बारे में बात करते हुए देखेंगे आज ही संजय जी के साथ आई थिंक ही वॉज अ किंग पिन ही वॉज सेंट हियर फॉर अ सर्टन पर्पज ऑफ रिजीम चेंज फॉर अ लार्जर गेम और ये एक्शन किसका है साइनो वहा भी लेफ्टिस्ट ये सवाल आप पूछ लीजिएगा इसको मैं बोलता हूं डब्ल्यू एनालिसिस

देर इज अ कनेक्शन वी नो दैट वेरी वेल ऑल दो वो टॉपिक नहीं है इस टाइम पे यहां पर सो आई डोट वॉन्ट टू डिट इन जस्ट डोन्ट है नहीं होती है देर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एनी इवेंट टू टेक प्लेस हमारी गवर्नमेंट को क्या पता था क्या होने वाला था कि इतनी जल्दी जल्दी मैं इसको उठाया है राइट सो देर इज अ कनेक्शन आई नो जयपुर डायलॉग्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में सो आई डोंट वांट टू गेट इन टू दो बट वी नीड टू आस्ट दीज क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको पैराडाइम को एक्सपैंड कर रहा हूं आपके लिए यूएस को तो एक ही चीज बोलूंगा यार प्रिंसिपल याद है आपको आपके ये क्या है आपका जो गारसेटी पारसेटी जो बैठा हुआ है यहां पर कहता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल कर रहा था एंड सबसे ज्यादा तो पन्नू को कंग्रेचुलेट करूंगा कि साहब यू आर दी अनकिलेबल एजेंट अब आप सीआईए के हो कि रा के हो मुझे नहीं पता क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है आप दोनों डबल एजेंसी डबल गेम खेल रहे हो बट इंटरेस्टिंग है एंड देखिए मैं दोबारा चीज बोलूंगा ये ये गेम है प्ली गेम द यूएस इज ट्राइंग टू तो प्ले विद यू और एक नैरेटिव आपको कहीं ना कहीं प्रेशर के नीचे डालना चाहते हैं जब आपसे बात करें तो यू नो आप थोड़ा आंखें बड़ी करके आपसे बात करें आप थोड़ा सा नीचे नीचे देखकर बात करें दैट्स ऑल दे वांट टू डू फॉर यू थोड़ा सा आपको जरा जमीन पे लेके आने वाला है मैं सवाल पूछता हूं बड़ा सिंपल ओवरऑल स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो है भारत और यूएसए के बीच में आपको क्या लगता है चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ पन्नू न्यू एंड सिंपल स्ट्रेट बॉस वी नीड टू बी ट्रांजैक्शनल टेक व्हाट यू नीड एंड प्ले द गेम ये जो आइडियलिस्टिक चीजें हैं ना कि हम लोग हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये झूठ बोलता है अबे बोलने दो ना यार आप गेम खेलो उसके साथ अब वो टाइम आ गया है सो लेट्स नॉट बी आइडियलिस्टिक अबाउट थिंग्स कि साहब ओहो नहीं नहीं सच्चाई ये सच्चाई वच्चाई छोड़ो यार ये असली दुनिया है कोई मेरे को एक गाल पे थप्पड़ मारेगा मैं दूसरा नहीं मारने देने वाला उसको मैं उसका हाथ तोड़ने वाला बंदा हूं दैट्स वट नीड्स टू बी डन सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम आइडियलिज्म क्योंकि आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलती दुनिया चलती है रियलिटी से रियलिस्टिक स्टफ से रियलिजम इज द गेम एंड मैं आपसे सवाल पूछता हूं यार एंड इसका जवाब प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखेगा खूब सारे लोग लिखेगा मेरे को बताइए इवन इफ भारत इज सपोजली वी एडमिट कि हमने मारा था हमने मारने की कोशिश करी थी सो so वॉट क्या होगा वॉट विल हैपन बॉस राइट नथिंग विल हैपन एंड पन्नू का यूएस ने जो एक नरेटिव बनाने की कोशिश करी वो थोड़ा सा हाईजैक हो गया एक भाई साहब के अरेस्ट से और वो फंसा रहेगा वहां पर तो ये गेम नरेटिव का है साहब अगर वो एक नैरेटिव खेलते हैं आप दूसरा नरेटिव खेलिए एंड किसी ने हाँ एंटी एस ने बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड यूज करा घंटा फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्यूटली करेक्ट इट डज नॉट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस आपको जो यूएसए से चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए ये चाहिए उनसे डील करिए गेम के लिए निकालिए अपना सामान और गायब हो जाइए वहां से आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट बोलते रहो जो बोलना तुमको बट आखिरी में मैं एक चीज फिर फिर भी बोलूंगा अगर हम होक रहे हैं डैम गुड प्राउड ऑफ यू और ठोको पकड़े गए कोई बात नहीं है गलती होगी क्या फर्क पड़ता है यार वॉट हैपेंड अगर इफ नॉट देन फेयर एन अफ बट इवन इफ एंड इवन इफ यू मेड अ मिस्टेक सो ब्लडी वॉट सो ब्लडी वॉट ठीक है तो इसी नाम पे अनोन गनमैन की जय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज आपके थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं थैंक यू सो मच दिस इज इंटरेस्टिंग न्यूज एंड ये सब चीजें कनेक्ट होती हैं नथिंग है रैंडमली इन दिस वर्ल्ड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली एक्सट्रीमली क्लियरली डीप स्टेट इज लिटिल जिटरी राइट नाउ एंड उनको कुछ ना कुछ चाहिए आपके अगेंस्ट में ताकि आपको कंट्रोल कर सके उनको चाहिए ही आप दे नहीं रहे तो इसी बात पे वीडियो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिएगा जरूर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इन एंड प्लीज इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द डेफटॉक्स का चैनल मेरी तरफ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल और आप लोग सुपर uh, स्टिकर्स और सुपर चैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपैल यूज कर सकते हैं फॉर दोंग अब्रॉड चलिए थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं आपके विवेक बाला साहब कहते हैं थैंक यू सो मच फर्स्टली टाइम टू यूनाइट एंड स्टैंड अगेंस्ट टू आर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नो कॉम्प्रोमाइज एंड नॉन निगोशियेबल साहब ऐसा है इसके लिए तो मैं आई कांट से एनीथिंग मोर बट से डैम गुड सुपर एंड मैं सबसे एक ही चीज दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा गाइज आई रियली वॉन्ट यू टू फ्लड द कमेंट्स बाई से टूगेदर क्योंकि देखिए ये चीजें मैं आपको बोलता हमारे हिंदुओं में ये बड़ी प्रॉब्लम है है लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में में ठीक ना तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा नॉट इन चैट रूम गाइज प्लीज राइट आफ्टर वी फिनिश द शो इन द कमेंट बॉक्स अनुराग रेड्डी जी थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग मेंबर यहां पर मत लिखिए इस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आफ्टर द शो फिनिशेस राइट ओके ओके लेट्स लेट्स सी सी सवाल जवाब कोई कमेंट्स डोनाल्ड लू ओके okay, यहां पर डोनाल्ड लू साउथ ईस्ट अफेयर्स डिप्लोमेट फ्रॉम यूएसए हैड रेज इश्यूज ऑन पन्नू टेलिंग भारत टू कोऑपरेट इन दिस इशू बिग जोक लेट इट नॉट बी अ जोक यार कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो बोल रहा हूं इट डजेंट मेक अ डैम ऑफ डिफरेंस आने दो

इंडिया ने लगाने चाहिए पन्नू नुनू चुनू ओपनली धमकियां देते दे, देता है टेरर थ्रेट की तो यार हुज आपको क्या लिखता है दुनिया को पता नहीं है ये क्या हो रहा है सबको पता है तो so ठीक है इफ दे वांट टू बी बेवकूफ एंड हार्बर टेररिस्ट तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं तो यूएसए भी पाकिस्तानी बन जाएगा अच्छा है हमारे लिए वी विल बी वेर वी वॉन्ट टू बी जोक ऑफ द डे आदि जी विमेन आर बेटर इन इन पाकिस्तान बेटर इन अमेरिका पूरी तरीके से बंद करो इनकी रिपोर्ट पढ़ना आप आई मीन कचरा कचरा बढ़े देखिए यार ये ना ये नरेटिव है मैं वही बोलता हूँ छोड़ो यार गेम पे बात करते हैं आपको नैरेटिव खेलने तो खेलते रहो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वी डोट इवन वॉन्ट टू एक्नोलेज दैट

बट व्हाट दे वांट टू बिलीव आपको उनका लेवल पता चल रहा है तो मैं तभी बोल रहा हूँ उनसे जो चाहिए वो लो और आगे चलो ओके okay. यूएस लड़वाना चाहता है इंडिया और चाइना को सांप भी मारे और लाठी भी ना टूटे एब्सोलूटली करेक्ट यार नो क्वेश्चन अबाउट इट जिंगो इज वेरी एंग्री ऑन बी आर आई एज यूज करप्शन प्लेस इन बी आर आई प्रोजेक्ट वॉट यू वॉन्टेड सर यू वेंट टू

ah okay that guy oh, okay okay understood understood patani i don't waste my time watching those videos could pannu be a double agent well why is he showing a full map of india <laughs> i don't think so but <laughs> i won't want to say anything further okay

very good okay let's see last couple of questions there was a press conference today by okay they are facing heat due to delhi's high court order raghav sharda yeah see dekho ye pura activate hoga sir don't look at the moharaz look at the action yes these are all pawns in the game right so people think they're kings and all that they're not they're pawns in the game so let's be very very clear about it have you thought about translating your videos into regional language to spread valuable information to all parts of country robin G., if you know how to use ai for this please get in touch with me my email is in the description i'll be glad to learn sir no problem thank you okay um, let's see What if Khalistanis are actually raw agents who were sent there to take over America? <laughs> <laughs> yeah, yeah, absolutely. <laughs> absolutely correct. <laughs> Why does Deep State want to weaken, weaken center where other departments approve India? What do they get? Control, sir. Control. They get to control you. And you you do as they tell you to do. Simple. Thieke, guys, in the comment box, please write we stand united and together as bharat ye comment box mein likhna hi likhna hai and there is just no please do that so that it creates a trend and secondly that is something that we should always believe in okay rishabh ji why government is leaving sitting us sitting enemy but killing non us enemy yaar you have to And जो जैसे जैसे एक्सपोज होती हैं, उनको वैसे वैसे करना पड़ता आपको. है so, right. so मैं रात को मिलूंगा वे वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर जिसमें नॉर्थ से साउथ तक आग लग गई है एंड मेरे को एक फोन uh, आया कहीं से अगर पाकिस्तानी सुनेंगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये फोन मेरे पास आया है और ये मेरे पास फोन आया इन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा आई विल स्पीक टू यू एट एट नाइट टिल देन जय हिंद जय भारत एंड रात को दस बजे मिलेंगे